डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है. हमारी पहली जो वरी है, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो परेशानी है कि ये वायरस स्प्रेड ना हो. पहली आपकी जिम्मेदारी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें, कहीं पे भी लोग जमा ना हो. ये एक जुर्म होगा, इसलिए कि आप राशन तो दे रहे होंगे लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों में आप वायरस ट्रांसफ़र कर रहे होंगे एक से दूसरे को, और वो वायरस इनकी ज़िंदगी ले सकता है. हमने कल एक मीटिंग की थी और पोस्ट लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के बाद जो हम SOP फॉलो करेंगे, पूरी दुनिया बदल गई है इस वायरस की वजह से. अब ज़िंदगी गुजारने का तरीका फ़र्क हो गया है. इस फ़र्क तरीके में हम नए SOPs बनाएंगे हर इदारे के लिए, हर सेक्टर के लिए, दुकानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, मस्जिद के लिए. हम एक नया SOP बनाएंगे जिसके तहत उन लोगों को पोस्ट लॉकडाउन अपना काम करना पड़ेगा, और ऐसा ही SOP हम हर इंडिविजुअल, हर फर्द के लिए बनाएंगे ताकि वो समझ सके कि इस वबा से जब तक इसका हल नहीं हो जाता, इसका वायरस नहीं आ जाता, इसकी दवाई नहीं मिल जाती, तब तक वो दवाई आपके हाथ में है. और दवाई वो सिर्फ यही है कि आप घरों पे रहें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हजरात और छोटे बच्चे इनके करीब ना जाएं. आपसे एक और रिक्वेस्ट, आपको हुकूमत के डिफरेंट लेवल पे, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पॉजिटिव आ जाता है, वो आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, उनको इंतज़ामिया भी फ़ोन करती है, उनको सेहत खाते डिपार्टमेंट से भी फ़ोन आते हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट करें और जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं, चाहे आपको दिन में अलग अलग जगह से कॉल्स आएँ, आप कोऑपरेट करें ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसी इन्फॉर्मेशन से हम आपकी मदद कर सकेंगे. हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है हम ये डिटर्मन करते हैं, उनके पास पहली हमारी टीम्स पहुँचती हैं. तो कुछ देर, कुछ ताखिर हो सकती है आप तक पहुँचने में. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.